सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। तो सूरज भी उग चुका है और पापा कर रहे हैं वहाँ काम। मैं बताता हूँ आपको। वे देखो पापा क्या काम कर रहे हो। गमले साफ कर रहे हैं पापा और दादा पी रहे हैं वहाँ चाय। देखे दो गाइस, तो गाइस सूरज भी उग चुका है। आओ गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि अर्जुन ने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, तो अर्जुन जा चुका है स्कूल और मैंने ना घर के सारे काम निपटा लिए हैं। और आज अर्जुन के पापा को भी छुट्टी है, तो वो गए हैं आज बाल लाने के लिए। और मैं यहाँ पर ना इस वाले अपने किचन गार्डन में भिंडी और फ्रांस बीन बो रही हूँ। तो अभी इस वाले एरिए में मैंने लगाई है यहाँ से वहाँ तक भिंडी, और अब यहाँ पर बोऊँगी मैं फ्रांस बीन। और अभी यहाँ पर तो हरा धनिया बच गया है, इसको अभी ना दाने आने वाले हैं। तो बस इतने से एरिया में लगाऊंगी मैं भिंडी और फ्रांस बीन। तो बाकी ना थोड़ी थोड़ी लगाऊंगी, क्योंकि ये वाली भिंडी जो है ना ये थोड़ा पहले हो जाएगी, और ये वाली फ्रांस बीन, और फिर और जगह पर ना इसके बाद लगाऊंगी मैं लगभग दो ढाई हफ्तों के बाद। वो वाली भिंडी और फ्रांस बीन जो है बाद में खाने के लिए हो जाएगी। और अभी ना मुझे दोबारा से यहाँ पर प्याज की निंदाई करने को है। यहाँ पर ना फिर से आ गया है दोबारा से घास, और ये वाला प्याज ना मुझे अभी इसको लटाना भी है ऐसे करके। तो दोस्तों एक बार तो मैंने इसको लटा दिया था ना, लेकिन ये दोबारा से ऐसे हो गया है। तो ये रहे मेरे साहब जी भी बांध लेके आ चुके हैं, और आज तो इन्होंने ना कम ही बांध लाया है। तो चलिए जी, अभी निकाल रहे हैं हम यहाँ पर आलू, और कुछ इतने निकाल लिए हैं हमने। तो चलिए जी, अभी यहाँ पर ये वाली जगह जो खाली हुई है तो यहाँ पर लगाएंगे हम। ये यहाँ पर गंडियाली निकली है तो इसको लगाएंगे हम यहाँ पर। और कुछ इतने आलू निकले हैं, लगभग दो हफ्तों के लिए तो हमें सब्जी हो ही गई है। और दोस्तों मैं तो सोच रही हूँ कि कहीं हमने और भी लगाए होते ना, पूरा एक खेत लगाया होता। देखो कितने अच्छे से हो जाने थे आलू, इतने अच्छे वाइट वाइट हो रखे हैं। तो ये तो हमने ना इस छोटी सी जगह पे लगाए थे, तो निकल गए इसके हिसाब से ठीक ठाक ही निकल गए।
तो चलिए जी, अपनी खेती के सारे काम करके हम चल पड़े हैं घर के लिए। और मेरे साहब जी तो आगे आगे चले गए हैं और मैं बैठी हूँ यहाँ पर अखरोट की छाया में। मैं ना घर जाती बार इस वाले पत्थर में बैठ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मस्त मज़े से हवा चली रहती है। तो यहाँ पर है ये वाला अखरोट, तो इसकी इतनी अच्छी हवा होती है ना। और मेरा मन तो करता है कि यहीं पर बस 2-3 घंटे मैं ऐसी बैठी रहूँ। तो चलिए चलते हैं घर के लिए। और टाइम ना दिन के 12 बज चुके हैं। और दोस्तों, ये जो पक्षी ना आवाजें लगा रहा है, तो ये बताना आप कमेंट में कि ये कौन सा पक्षी है। तो वैसे ना मेरी मम्मी ने मुझे बताया था इसकी कहानी, कि ऐसा होता है ना कि अपनी बेटी की शादी करवाता है ये वाला पक्षी। तो फिर जब इसकी बेटी की विदाई होती है ना, तो उसको कहता है कि जब वो अपने ससुराल के लिए जाती है ना, तो बेचारा रो रो के अपनी बेटी को कहता है कि जाओ जाओ जाओ, ऐसा बोलता है। तो शायद कुछ कुछ ऐसी ऐसी कहानी बताई थी मेरे को मम्मी ने, अब मुझे इतनी याद तो नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी कहानी थी। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पर ना इसकी कहानी बता रही हूँ पक्षी की, और ये देखो चुप हो गया, शायद मेरी आवाज़ सुन रहा होगा कि क्या बता रही है मेरे बारे में सबको। तो चलिए चलती हूँ, नहीं तो मेरे साहब जी बोलेंगे ना कि कहाँ पर रह गई बीच रास्ते में, और वो मुझे ढूंढते हुए ना नीचे आ जाएंगे। तो इससे पहले ना मैं खुद ही चल पड़ती हूँ ऊपर। तो अभी ना बारिश पड़ गई है बड़े ज़ोरों की, तो वहाँ पर बकरियाँ हैं नीचे बेचारियाँ, वो भाग रही है देखो कैसे बच के बारिश से। तो मैं बुलाती हूँ उनको। अच्छा तो दोस्तों, अभी कुछ इतनी ज्यादा जोरों की बारिश पड़ चुकी है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है उधर, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उस साइड। और हम खड़े हैं यहाँ पर अपनी गौशाला के बाहर। हमारी बकरी है ना बारिश से बचने के लिए देखो अपने आप ही आ रही है अंदर। देखो उनको, तो कितनी समझदार होती है बकरी। अभी देखो और कोई बड़े पीछे से आ रही है। ये वाला कमरा है भैया आपके लिए, इधर जाओ ऊपर ले मिस्त्र हो। तो हम तीनों तो देखो यहाँ पर खड़े हैं, उधर मेरी सास माता है, इधर मैं और मेरे साहब जी। तो बकरियाँ ना अपने आप आ रही है अंदर, देखो। चलो चलो, तो इतनी बारिश पड़ी और ये बेचारे एक भैंस और यहाँ पर बछड़ी बाहर ही थी, दोनों देखो पूरी बारिश में भीगे देखो दोनों बेचारियाँ बाहर। तो दोस्तों आगे आगे मैं जा रही हूँ ना, और पीछे से देखो सारी बकरियाँ कैसे आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मेरे हाथ में छोटा सा प्याज का गेलू, तो मंडियाली भाषा में इसको डिंडरू कहते हैं। तो मैं देखती हूँ कि बकरी इसको खाएगी या नहीं। अच्छा अरे लेखा अरे, तो मुझे लगता है कि इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अरे अरे, तो इस वाली बकरी ने खाया इसको। तो मेरे साहब जी बोल रहे हैं इसको नहीं पड़ेगी बाद में प्याज की जरूरत है। देखो यार कैसी बातें कर रहे हैं।
तो मेरे सास माता लेके जाएंगे इनको इनकी गौशाला में। ये सुहाया हो चाह पी लिया हो इना चरी लेना था लीना रहा गुजारा नहीं रहा ली सेक तो चली गया इठिये रस्ते रस्ते। तो अर्जुन को तो मुझे कहाँ बैठा था तू तो इतनी देर तूने जूते भी नहीं उठाए हुए गिल्ले हो गए। हाँ स्कूल तो जाएगा कल क्या हो रहा है ताऊ जी भाई कोई अच्छी सी पोइम सुना। ये कैसी पोइम है नीचे आओ दोनों क्या कर रहे हैं ऊपर। तो चलिए जी अभी हमारा खाना पीना भी टाइम से बन चुका था तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई और अभी ना हम खाना पीना खा के कमरे में आ चुके हैं। तो आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर दिया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जी हाँ तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी आगे वाले ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट शुभ रात्रि और आप सब अपना ख्याल रखना। आप नहीं बोलोगे कुछ बोलो क्या बोलेंगे गुड नाइट गुड नाइट।